हेलो स्टूडेंट्स, वी आर सीइंग क्लास सिक्स चैप्टर नंबर साइंस, चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज चेंजेस अराउंड अस. ओके, वी आर सीइंग साइंस चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज चेंजेस अराउंड अस. ओके, अभी इसमें इसके पहले लेसन में हमने देखा था कि जो चेंजेस है हमारे सराउंडिंग में, जो चेंजेस है वी कैन डिवाइड देम इनटू टू कैटेगरीज. व्हाट आर दे? दे आर रिवर्सिबल चेंजेस एंड इररिवर्सिबल चेंजेस. ओके, चेंजेस आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. कौन सी दो कैटेगरीज? एक तो है रिवर्सिबल चेंजेस और दूसरा इररिवर्सिबल चेंजेस. बराबर है ना? रिवर्सिबल चेंजेस मतलब ऐसे चेंजेस जो होते हैं और जिनको आप रिपीट ओरिजिनल सब्सटेंस को ला सकते हो, ऐसे चेंजेस को आप बोलते हो रिवर्सिबल चेंजेस, और जो नहीं ला सकते उसे हम बोलते हैं इररिवर्सिबल चेंजेस. बराबर है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बलून है मेरे पास, बलून को उसमें क्या किया, ब्लो एयर इनटू इट, ब्लो एयर इनटू इट एंड रिमूव एयर इनटू इट. हम उसमें एयर डाल सकते हैं, उसमें की एयर निकाल सकते हैं, है ना? सो ये दोनों चेंजेस किस कैटेगरी में आते हैं? रिवर्सिबल में आते हैं कि इररिवर्सिबल में आते हैं? They come in the category of reversible. They come in the category of reversible changes. Okay? और अगर मैंने conversion किया milk का curd में, milk का curd में conversion किया, तो curd से फिर से milk बन सकता है क्या? नहीं बन सकता. So this is called as irreversible changes. Okay? This is irreversible changes. So there are two types of changes, reversible and irreversible changes. इसके बाद में आपको याद है मैंने आपको दिया था एक एक्टिविटी, कल होमवर्क में करने के लिए दी थी मैंने आपको, हाँ लास्ट में आपने की है क्या? देखो तो दिस सम कॉमन चेंजेस. आपको या इसमें लिखना था कि रिवर्सिबल है कि नहीं है. अगर की है तो अच्छी बात है, अगर नहीं की तो मेरे साथ अभी कर लो. ठीक है, देखो पहला चेंज क्या है. पहला चेंज है रॉ एग टू बॉइल्ड एग. जो एग है उसको बॉइल किया आपने, ये रिवर्स कर सकते हो क्या? बॉइल ऐसे फिर से रॉ एग मिल सकता है क्या आपको? नहीं मिल सकता. सो दिस इज रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल. कैन बी रिवर्स्ड? नो. सो आंसर विल बी नो. आप इसको नो बोल सकते हो. बैटर टू इडली, बैटर से आप इडली बना सकते हो. इडली से फिर से बैटर बनता है क्या? बैटर मतलब पीठ, आटा. आटे की इडली बन सकती, जो भी मटेरियल है उसकी इडली बन सकती. इडली से फिर से आटा बन सकता है क्या? नो. सो कैन बी रिवर्स, यहाँ पे लिखो नो. नो लिखो यहाँ पे. ओके, वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स कर सकते हैं. ड्राई क्लोथ्स टू वेट क्लोथ कर सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं. तो यू विल राइट हियर यस, यू विल राइट यस. वुलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, यार्न से स्वेटर बन सकता है, बन सकता है क्या? स्वेटर से यार्न बन सकता है? हाँ, आप स्वेटर को अगर उसका एक धागा निकालोगे ना, तो पूरे स्वेटर का यार्न आप क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो, है ना? सो इज इट रिवर्सिबल? यस, इट इज रिवर्सिबल. ग्रेन टू फ्लोर, ग्रेन टू फ्लोर, जो ग्रेन्स आपके पास होते हैं व्हीट, उसका फ्लोर आप बना सकते हो, है ना? फ्लोर से फिर से ग्रेन बनेंगे क्या? नो. कैन बी रिवर्स्ड? नो. कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, यस. कोल्ड मिल्क है उसको गर्म करो हॉट मिल्क बनेगा, हॉट मिल्क को ठंडा करो कोल्ड मिल्क मिलेगा, है ना? सो इट इज रिवर्सिबल और नॉट? यस, इट इज रिवर्सिबल. स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल्ड स्ट्रिंग, कॉइल स्ट्रिंग मतलब गुंडाड़ी करने, ऐसे लपेटना. आप स्ट्रेट स्ट्रिंग को लपेट सकते हो, हाँ. फिर से सीधा करते आएगा? हाँ आएगा. सो दिस इज यस, दिस इज रिवर्सिबल. बर्ड टू फ्लावर, जो कली होती है बर्ड, उसका फ्लावर में कन्वर्शन होना, फिर फ्लावर से बर्ड बनेगा क्या? नो. सो इट इज नॉट रिवर्सिबल. यू विल राइट हियर नो. ठीक है, मिल्क टू पनीर, मिल्क का पनीर बनता है, पनीर से फिर से मिल्क बनेगा क्या?
नो. कैन बी रिवर्स्ड? नो. काउ डंग टू बायोगैस? कैन बी रिवर्स्ड? नो. काउ डंग से बायोगैस तो बनता है, बायोगैस से फिर से काउ डंग नहीं बनेगा. ओके, सो नो. स्ट्रेच रबर बैंड टू नॉर्मल साइज, रबर बैंड को स्ट्रेच करो फिर से नॉर्मल साइज में लाओ, पॉसिबल है? यस. आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, आइसक्रीम को मेल्ट करो तो मोल्टन आइसक्रीम बनेगा. मोल्टन आइसक्रीम से फिर से आप उसको आइसक्रीम बना सकते हो क्या? हाँ, अगर आपने उसको रेफ्रिजरेट किया, फ्रिज में रखा, तो फिर से उससे क्या बन सकती है? आइसक्रीम बन सकती है. सो दिस इज ऑल्सो यस. ठीक है, तो इस हिसाब से आपको इस चार्ट में यस और नो क्या करना है, फिल करना है. ठीक है, अगर किसी ने नहीं किया होगा तो अभी कर लो. ओके, अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. ओके, नाउ जो हमने सब्सटेंसेस से, सब्सटेंस को किस ग्रुप में डिवाइड किया था? हमने सब्सटेंस को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे कैन बी रिवर्स्ड और नॉट. जो चेंजेस है उसको आप रिवर्सिबल, मतलब रिवर्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इस बेसिस पे हमने सब्सटेंसेस को क्या किया था, डिवाइड किया था. नाउ वी विल बी कंसिडरिंग अदर मेथड्स. कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज? चेंज लाने का, सब्सटेंस का जो ये है उसकी मतलब जैसे हमने देखा था ना कि सब्सटेंस को आप चेंज करने के लिए कई सारे मेथड्स आप यूज़ करते हो. आप उसको उसमें एयर भर सकते हो, उसके ऊपर कई तरह के फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस कर सकते हो, जिसके वजह से सब्सटेंस एक इसमें से दूसरे इसमें क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. इसके अलावा भी आप सब्सटेंस में चेंजेस ला सकते हो क्या? जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. देखो, हाँ, एग्जाम्पल अगर मेरे पास आइस है, हाँ, आइस को अगर मैंने हीट किया तो आइस से क्या बनता है? आइस का कन्वर्शन होता है वाटर में, होता है? आइस को अगर हमने हीट किया, आइस से बनता है वाटर. वाटर को अगर हमने हीट किया तो वाटर से बनती है वाटर वेपर, बनता है ना? वाटर को हीट किया तो क्या मिलती है? वाटर के वेपर्स मिलते हैं, बराबर है? अगर मैंने वाटर वेपर को कूल किया तो मुझे क्या मिलेगा? वाटर वेपर को कूल किया तो फिर से मिलेगा वाटर. और वाटर को भी अगर मैंने कूल किया तो मुझे क्या मिलेगा? आइस मिलेगा, है ना? सो आई कैन चेंज, मेक चेंज इन ए सब्सटेंस. मैंने क्या किया? सब्सटेंस में चेंजेस किए. किस वजह से किए ये चेंजेस? किस चीज़ की वजह से पॉसिबल हुए? दिस चेंजेस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ सप्लाइंग हीट टू इट. बिकॉज ऑफ सप्लाइंग हीट टू इट, मैंने सब्सटेंस को हीट सप्लाई किया. मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, वी कैन चेंज सब्सटेंस, वी कैन चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. वी कैन चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग इट. मैंने सब्सटेंस को हीट किया या कूल किया तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसका एक सब्सटेंस में से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर कर सकती हूँ, है ना? वी कैन चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग इट और कूलिंग इट. ओके, तो हीट करके आप स्टेट क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो. इसके अलावा और एक चीज़ है जो आप हीट करने के वजह से कर सकते हो. लिसन, व्हाट इज इट? जैसे देखो, मेरे पास एक सॉलिड है, आयरन, लोहे की कोई चीज़ है. मैंने इसको हीट किया, पता है क्या होता है हीट करने के बाद में? अगर मैंने इसको हीट किया तो ये सब्सटेंस करता है एक्सपांड. एक्सपांड मतलब उसकी साइज बढ़ जाती है. इसकी साइज जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है. साइज गेट इंक्रीज्ड. अगर मैं आयरन को, सिर्फ आयरन को ही नहीं, मेरे पास ऐसे कई सारे मेटल्स हैं, मेटल्स को अगर आप हीट करोगे तो हीट करने के बाद में मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स गेट एक्सपांडेड. मेटल्स एक्सपांड होते हैं. क्या होते हैं? एक्सपांड होते हैं. मेटल्स को अगर मैंने हीट किया तो मेटल्स क्या होते हैं? एक्सपांड होते हैं. और कूल किया तो, अगर इनको कूल किया तो ये क्या हो जाते हैं? अगर मैंने इनको कूल किया तो ये क्या होते हैं? ये हो जाते हैं कंप्रेस. कंप्रेस मतलब इसकी साइज थोड़ी सी क्या होती है? छोटी हो जाती है. एक्सपांड, हीट करने पे एक्सपांड होता है, और कूल करने में क्या होते हैं? इसकी साइज क्या होती है? कम होती है. ठीक है, सो ये है अनदर वे. इसका यूज कहाँ पे किया जाता है पता है क्या? मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ.
देखो तो ये क्या है, ये व्हील है, ये लकड़ी से बना हुआ होता है। अभी इसके ऊपर जो है ना, इसकी लाइफ बढ़ने के लिए, इसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसके ऊपर एक लोहे की रिंग चढ़ाते हैं। लोहे की रिंग देख रहे हैं यहाँ पे। अभी ये अगर सिर्फ चढ़ा, मतलब जिस साइड का चक्का है आपका उसी साइड की रिंग अगर आपने ली, तो ये कैसे ढीला बैठेगा इसके ऊपर और ज़्यादा मजबूत नहीं बैठेगा। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर बिठाने की रिंग जो है ना, वो थोड़ी साइज में छोटी लेते हैं, और ये छोटी रिंग जो है इसको पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं। गर्म करने की वजह से ये एक्सपांड होती है। ये एक्सपांडेड गर्म गर्म जो लोहे की रिंग है, आयरन रिंग, ये चक्के पे बिठाई जाती है, और जब ये कूल होती है ना, तो ये और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा फिट ये व्हील के ऊपर बैठ जाती है। तो इससे क्या होती है, इससे इन दोनों के बीच में जो पकड़ है वो मजबूत होती है, और आपका व्हील क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ज़्यादा फिट बैठता है, इतना कि आप इजीली उनको रिमूव, ये रिंग जो है ये एक बार बिठाने के बाद में इजीली आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये है क्यों, गर्म करने की वजह से ये चीज़ एक्सपांड हुई, फिर आप इसको ठंडा करो, ये चीज़ क्या हो जाएगी, फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप हीट करते हो चीज़ को एक्सपांड करने के लिए, और कूल करते हो उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ में हमें यही चीज़ बताई गई है। सी, कुड देयर बी एनी अदर वेज टू ब्रिंग चेंज, वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल। Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed by to a wooden handle? देखो ये नीचे instruments दिए हैं। ये सारे instrument में ये hole है, iron का blade है, जो एक wooden rod में fit किया गया है। यहाँ पे भी iron का एक part है जो wooden rod में fit किया गया है, है ना। हर पार्ट आपको ऐसे ही नजर आएगा, है ना। तो क्या कभी देखी है प्रोसेस की, मतलब ये जो पार्ट है इसको अगर मुझे रॉड के अंदर फिट करना है तो कैसे करते हैं, इसकी प्रोसेस देखी है क्या कभी, कैसे करते हैं? देखो ये जो पार्ट है ना, पहले इसको गर्म कर लेते हैं, इतना गर्म कि बिल्कुल लाल दिखने लगता है वो, है ना। और गर्म करने के बाद में जब ये गर्म होता है ना, हॉट होता है, तभी के तभी इसके अंदर रॉड को बिठाया जाता है, ओके और बाद में इसको कूल करने के लिए रखते हैं। जब ये हॉट होता है तो ये एक्सपांडेड होता है, साइज थोड़ी बड़ी होती है, ये होल जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और ये रॉड में आसानी से बैठ पाएगा। और रॉड में बैठने के बाद में जैसे उसकी साइज छोटी होती है ठंडा होने के बाद में, तो ये कैसे बैठता है, इस रॉड में फिट बैठता है, इतना फिट कि वो आसानी से निकलेगा नहीं, मतलब उसकी पकड़ कैसी बनेगी, मजबूत बनेगी। सी, द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज ए रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। ये जो रिंग होती है ये कैसी होती है, इट इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड and it becomes slightly larger in size, that is it expand. Now the handle easily fits into the ring. When the ring cools down, it contracts and fits tightly on the handle. It fit tightly on the handle. ठीक है, कई बार घर में ऐसे होता है ना, एक बर्तन में दूसरा बर्तन फंस जाता है, निकलता ही नहीं है। जैसे किसी टिफ़िन का डिब्बा है और उसका जो ढक्कन है, कई बार वो इतना फिट बैठता है, अगर कोई गरम गरम चीज़ उसके अंदर भरी हुई होगी ना, तो मतलब वो एयर टाइट कंटेनर बन जाता है, उसके बाद में खुलता ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाता है, उसको भी उसके जो उसका जो कॉर्नर है उसका, उसको थोड़ा सा गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में उसकी साइज़ थोड़ी बैठती है, और दो बर्तन जो एक दूसरे में फंसे थे वो आराम से निकल जाते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि एक्सपांड करने के बाद में सॉलिड चीज़ें हीट करने के बाद में क्या होती है, एक्सपांड होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सच ए चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन ए वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट एज शोन इन फिगर 6.7। मैंने ये फिगर आपको दिखाई है,
6.7 फिगर, ये जो मेटल रिम है इसको व्हील काट के व्हील के ऊपर बिठाने के लिए सेम प्रोसेस की जाती है। सी अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील, ऑन हीटिंग द रिम एक्सपांड एंड फिट इन ऑन टू द व्हील, कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट टाइटली ऑन टू द व्हील। पहले उसको हीट करो, एक्सपांड होने दो, और उसके बाद में फिट करने के बाद में क्या करो, उसको कूल करो। ओके, दिस रिम विल बी टाइटली फिटेड ऑन दिस कार्ट व्हील। ओके, व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन इट बिगिन्स टू बॉइल आफ्टर सम टाइम, इफ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिन्स टू डिक्रीज, द वाटर चेंजेस इनटू वेपर। In activity 7, chapter 5, you have observed that water vapor gets changes into liquid when into liquid water when it is cooled. We all have noticed melting of ice. Ice melt when it is heated. What does it changes into? Is it possible to change water back into ice? Yes, it is possible to चेंज वाटर बैक इन टू आइस। ये हमने पढ़ा है, ये हमने यही पे देखा है थोड़ा सा। मतलब क्या किया था हमने, अगर मैं आइस को गर्म करती हूँ, हीट करती हूँ, तो मुझे वाटर मिल जाता है। वाटर को हीट करने के बाद में वाटर वेपर मिलते हैं, वाटर वेपर को अगर आप कूल करोगे तो आपको फिर से वाटर मिलता है, और वाटर को अगर आपने कूल किया तो क्या मिलता है आपको, आइस मिलता है। बराबर, तो ये चीज़ें क्या है, मतलब दीज थिंग्स यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ice to water or water to water vapor by heating or cooling it, by heating or cooling it. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। See, अभी ये देखो, बूझो को कुछ तो भी सवाल आया है। बूझो has often noticed that road construction workers hit a black material tar for repairing the road. He wants to know whether the change occur whether the change occur, caused in tar by heating can it be reversed. अभी देखो क्या होता है, जब रोड के कोई काम किए जाते हैं, है ना, ऑन रोड, देर इज वन ब्लैक कलर सब्सटेंस प्रेजेंट, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज टार, इट इज ब्लैक इन कलर एंड थिक भी होता है। टार कैसे होता है, थिक होता है। ये टार को जब हीट करते हैं, आप लोगों ने देखे हुए होंगे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें भट्टी जैसा, मतलब उसको कंटिन्यूसली हीट सप्लाई किया जाता है, और इसके वजह से ये जो टार प्रेजेंट है, टार हीटिंग की वजह से क्या बन जाता है, टार गेट मेल्टेड। ये मेल्ट होता है जैसे आइस मेल्ट होता है ना, पतला होता है, और ज़्यादा पतला होता है, और इसके वजह से ये क्या हो सकता है, ये जो मेल्टेड टार है या लिक्विड टार है, जो आपने क्या किया, इसको हीट करने के बाद में ये थोड़ा सा पतला हुआ ना, तो इसके वजह से इट गेट इजीली स्प्रेड ऑन रोड। ये टार जो है वो रोड पे इजीली क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, आपने पहले जो कंसीडर किया था, क्या कंसीडर किया था, पहले जो टार था ना वो कैसे था, वो थोड़ा सा थिक था, और जैसे ही आपने उसको हीट किया, हीट करने के वजह से वो क्या बनता है, थोड़ा सा पतला बनता है, और पतला बनने के बाद में आपका जो है, मतलब कम टार में ज़्यादा काम हो जाएगा, है ना। इट गेट इजीली स्प्रेड ऑन द रोड व्हेन इट इज हीटेड। ओके, हमने पहली का क्वेश्चन तो देखा ही नहीं। पहली वांट्स टू नो इफ यू हैव एवर सीन ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल, हाउ डज ए ब्लैक स्मिथ चेंज ए पीस ऑफ आयरन इन टू डिफरेंट टूल्स। ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड till it become red hot, it is then become soft and beaten into desired shape. What change take place in iron on being heated? Iron को भी एक limit के बाद में अगर मैंने iron को भी heat किया ना, iron इसको मैंने heat किया, पहली चीज़ तो है ये expand होता है, बराबर। अगर ये process continue चलती रही ना, तो iron become red hot कलर का होता है, इतना गर्म दिखता है वो कि
उसका कलर चेंज होके रेडिश हॉट बन जाता है। और दूसरी चीज़, एंड इट ऑल्सो बिकम सॉफ्ट, सॉफ्ट भी बनता है, बराबर। आयरन बिकम रेड हॉट एंड सॉफ्ट, एंड यू कैन मोल्ड इट इनटू डिजायर्ड शेप। तुम लोग क्या कर सकते हो, आयरन को जो शेप में ढालना है उस शेप में आप उसको ढाल सकते हो। जो ब्लैकस्मिथ होते हैं ना, लोहार लोग, वो क्या करते हैं, वो आयरन को गर्म करते हैं और फिर उसको ठोक ठोक के उनको जो शेप देना है वो शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो हीट करने के बाद में क्या होता है, सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंसेस सॉफ्ट होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस एक्सपांड करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस मेल्ट होते हैं, बराबर है। सो ऑल दिस टाइप ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग, ओके। सी नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 7, टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ ऑन विथ ए स्केल, नाउ फिक्स इट एट ए सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर द लेंथ ऑन लेंथ अगेन, कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ कैंडल बी रिवर्स्ड। अभी कैंडल देखो, कैंडल को आपने बर्न किया, कुछ समय बाद उसकी लेंथ कम हो जाती है, क्या रिवर्सिबल है? अभी लगता तो नहीं कि कैंडल की लेंथ कम होगी, लेकिन सुनो, इफ वी वेयर टू टेक सम वैक्स इन ए पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। अगर मैंने वैक्स जो है आपका कैंडल का वैक्स, उसको अगर मैंने एक कंटेनर में लिया, एक छोटे से पैन में लिया और उसको हीट किया, तो क्या हीट करने के बाद में ये भी पतला हो जाता है ना, तो क्या ये फिर से मेल्ट होगा, होगा क्या, पॉसिबल है क्या? मतलब मेल्ट करने के बाद में जब इसको आपने ठंडा किया तो ये फिर से ठीक होगा क्या? यस, डेफिनेटली होगा। तो ये जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, इट इज़ ए रिवर्सिबल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए रिवर्सिबल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये वैक्स, कुछ वैक्स बर्न होता है यहाँ पे और कुछ वैक्स नीचे जमा हो जाता है, सो इट इज इरिवर्सिबल चेंज, बट बर्निंग हीटिंग ऑफ वैक्स इट इज ए रिवर्सिबल चेंज, ओके ओके। अभी इसके बाद का पोर्शन जो है, हम कुछ एक्टिविटीज में आप लोगों को क्या करूँगी, जो ये जो है ना ब्लैक स्मिथ का एक्सपेरिमेंट वगैरह, इसके अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ये प्रोसेस का वीडियो ग्रुप के ऊपर डालूंगी, ठीक है। तो यहाँ के लिए हमें सफिशियंट है, जो नोट्स मैंने यहाँ पे आपको लिखवा के दिए हैं वो नोट्स आप क्या करो आपके बुक में लिखो, और बाकी का जो चैप्टर है वो हम क्या करेंगे, कल देखेंगे, ठीक है, बाय।